हेलो फ्रेंड्स, आई एम रानू और मैं आज आपको इंग्लिश बताने वाली हूँ। यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हैं, वर्ड, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, दिस दिस दैट डोज, ठीक है। इनकी कुछ मैं बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ। जो फर्स्ट है वर्ड, वर्ड क्या होता है? वर्ड को हम बोलते हैं हिंदी में शब्द। जितने भी लेटर्स होते हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उनका जो ग्रुप बना होता है, जैसे ग्रुप्स है, जैसे एक ग्रुप है बना आराम, राम में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3, ठीक है। तो ये ग्रुप हो गया, लेटर्स का ग्रुप हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं हम वर्ड्स, है ना। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं राम में, जैसे कितने लेटर, 1 2 3, तो ये एक वर्ड हो गया, 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 ये एक वर्ड हो गया। तो समझ में आया, वर्ड्स किसके किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कॉल्ड वर्ड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। तो जैसे कि ये मैंने लिखा, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये कैसे बना है? वर्ड से मिलकर बना है एक वर्ड। ये एक वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये किसका ग्रुप बन गया? वर्ड्स का ग्रुप बन गया, है ना। इसमें पांच वर्ड्स हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज सम मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा कहलाएगा सेंटेंस। राम इज़ अ गुड बॉय एक क्या हो गया? पूरा सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग भी है कि राम अच्छा लड़का है, है ना। तो ये हो गया एक सेंटेंस, राम इज़ अ गुड बॉय एक क्या है? सेंटेंस होता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या हो गया इसमें? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। कर्ता क्या होता है? जो कोई काम कर रहा होता है, जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, या सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। यहाँ पे काम तो हो नहीं रहा है, राम की विशेषता बताई जा रही है, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राम के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सेंटेंस में किसी के बारे में बात हो रही है तो वो उसका सब्जेक्ट हो जाएगा, या सेंटेंस में किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा है तो वो भी सेंटेंस हो जा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट कैन बी पर्सन, प्लेस और थिंग। सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, और कोई वस्तु भी हो सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वर्ब की। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम, ठीक है। तो क्रिया मतलब कोई काम होता है। जैसे देखिए, राम प्लेस, ठीक है। राम क्या कर रहा है? राम खेलता है। क्या काम कर रहा है यहाँ पे? खेलने का। तो ये एक वर्ब हो गई, ठीक है। कोई भी काम किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा तो वो क्या होती है? क्रिया होती है, ठीक है। तो ये बात हो गई वर्ब की। अब यहाँ पे आते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं ये वाला दिस यूज़ करें या ये वाला दिस यूज़ कर दें, ठीक है। ये दोनों दिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? ये या यह, जो हमारे पास में कोई चीज़ें होती हैं तो ये दोनों दिस का यूज़ किया जाता है। बट इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे बताना चाहूँगी। दिस जो होता है ये वाला, एक के लिए होता है, एक पर्सन, प्लेस या थिंग के लिए होता है, मतलब सिंगुलर के लिए, ठीक है। और ये वाला जो दिस होता है, ये होता है प्लूरल के लिए, मतलब बहुवचन के लिए, ठीक है। ये दिस होता है एक के लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए, सिंगुलर के लिए, ठीक है। और ये वाला दिस यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ, लाइक जैसे एक किताब, है ना। तो दिस, ये किताब, दिस बुक, ये हो गया एक के लिए। और अगर ज़्यादा, एक से ज़्यादा किताबें हैं, ये किताबें, दिस बुक्स, है ना। ये हो गया एक के लिए, दिस बुक मतलब ये किताब, और दिस बुक्स मतलब ये किताबें, ये हो गया दिस और ये दिस में डिफरेंस, ठीक है। ये वाला दिस यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, और ये वाला दिस यूज़ होता है प्लूरल के लिए। नेक्स्ट आते हैं दोस एंड दैट पर। दैट मतलब कि वह, जो दूर होता है उसके लिए दैट और दोस यूज़ किया जाता है। हिंदी में मीनिंग होता है वे या वह या वो। तो वो किताब, वो किताब, दैट बुक, ठीक है। और वो किताबें, तो दोस बुक्स, ठीक है। ये हो गया है आपका सिंगुलर के लिए, ठीक है। और ये हो गया है प्लूरल के लिए।
ठीक है, दैट यूज फॉर सिंगुलर नंबर एंड दोस यूज फॉर प्लूरल नंबर। तो ये हो गए हमारे 6 टॉपिक कवर। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।